अच्छा बहुत छोटा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, हम कर लेते हैं आज, है ना? बोलो नोट लेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, ये हाँ रखा हुआ है देंगे। सुनो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, अगर चार्ज पार्टिकल चले देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट डज इट मीन बाय चार्ज? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे किसी भी मैटर में मास होता है तो उसमें चार्ज भी होगा, क्योंकि मैटर किससे बना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। हो सकता है उसमें प्लस और माइनस इक्वल चार्ज हो, लेकिन होगा तो जरूर, क्योंकि उसके बिना तो कोई चीज बन नहीं सकती। तो ये मूलभूत पार्टिकल है, प्रॉपर्टी किसी भी मेटीरियल का, मैटर का मेन प्रॉपर्टी। जैसे मास है, मैटर की जब डेफिनेशन दी जाती है तो कहते हैं नहीं मैटर कंटेन्स मास एज बाय स्पेस, उसी तरीके से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, सो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, टू टाइप्स। तो पॉजिटिव हमने देख लिया, देख लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जरा शुरू होने दीजिए बेटा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है? सो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। The smallest positive particle is called proton. It bears, इसमें क्या होगा? It bears 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये सी भी लिख सकते हो, या दूसरा क्या लिख सकते हो? कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, इसको सी भी लिख सकते हो, कैपिटल सी। समझ रही बात? हाँ। और इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इनटू 10 पावर बीयर्स, माइनस 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब मास ऑफ चार्ज। तो उसके पास निगेटिव चार्ज है सर, ठंडी लगी है। अभी आगे कुछ कर देते हैं, ठीक है? पॉजिटिव एंड निगेटिव दो तरीके के चार्ज है। सर पॉजिटिव को प्लस वी ई लिखते हैं। हाँ, तो एक पॉजिटिव और निगेटिव है, सही है? अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आवेश। फोटॉन पैकेट ऑफ एनर्जी, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो उससे एक पैकेट ऑफ एनर्जी निकलती है, सिर्फ वो एनर्जी उसमें। आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज समझ में आ गया, प्रोटॉन का समझ में आ गया, और ये क्या लिखा बताओ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया कि चार्ज को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या समझती हो? चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी, ये सही बता रहे हैं। अगले क्लास को फिर
सर क्या पूछा आपने? पता नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई जिसे पता है वो तुरंत बता देगा और जिसे नहीं पता है वो कैसे बताएगा? चार्ज कैन एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसा कि चार्ज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? इंटीग्रल एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। सारी चीज बता दो। देखो ये क्यू है किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज। अच्छा इसमें मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू इज इक्वल टू एम ई। हाँ ये फार्मूला। सर ये क्यू से क्या मतलब? क्यू का मतलब चार्ज, किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज। क्यू का मतलब क्या है? टोटल चार्ज। तो क्या एन यहाँ इंटीजर है? भाई 10 इलेक्ट्रॉन इंटीजर है, तो ये क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है? ई क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ मल्टीपल ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अगर मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं? एनी बताओ। अभी समझ में आ जाएगा, अभी लाइन पे समझ। एन को आपने क्या लिख दिया? इंटीजर। हाँ इंटीजर है। अच्छा, तो इसमें क्यू क्या होगा? टोटल चार्ज क्या 10 इलेक्ट्रॉन है? हाँ। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -19। सही है। हाँ। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इसको मल्टीप्लाई करो, -16 और 10 को उस पे चढ़ा दो, तो -19 प्लस 1, क्योंकि इस पे 1 है ना पावर। हाँ। तो कितना हो जाएगा? -18। सही है। अच्छा आप समझो, जैसे तुम्हारे यहाँ आधे लीटर का पैकेट मिल रहा है बाजार में, नीचे दूध का पैकेट, तो तुम उससे कह दो 500 ml नहीं चाहिए, हमें 600 ml चाहिए, तुम दूसरे का आधा काट के थोड़ा दूध दे दो हमको, बाकी बचा के रख लो। तो कहेगा नहीं नहीं यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल है, एक पैकेट लो, दो पैकेट लो, तीन पैकेट लो, हमारे यहाँ सब इंटीजर में मिलता है। तो तुम ये नहीं कह सकते किसी से कि हम हमारे इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन काट के रखा हुआ है, इंटीजर में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज भी किसी पे पॉसिबल है, या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार इलेक्ट्रॉन, तो इंटीग्रल मल्टीपल हुआ कि नहीं? इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन, कि किसी की क्वांटिटी जो होगी चार्ज की वो क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट। चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन एग्जिस्ट, किसी भी वस्तु पर कितना चार्ज हो सकता है? कितना भी इंटीग्रल मल्टीपल मतलब उस पर 1000 इलेक्ट्रॉन भी है तो हमें इतराज नहीं है, लेकिन कोई कह दे 1000 and half तो हमें इतराज है, फ्रैक्शन में नहीं है कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। हाफ कैसे हो जाएगा? आधा पैकेट दूध काट के देगा क्या तुमको बाजार में? जो भी वैसे इंटीजर पूर्णांक 1, 2, 3, 4 उसी से मल्टीप्लाई कर सकते, फ्रैक्शनल अमाउंट नहीं होगा। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 कैसे लिख रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? सर माइनस इतना होता है ना, 9th में पढ़ा है, तो इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे, अब इसी पे प्लस लगा दो तो क्या इतना प्लस का चार्ज है? बोलो है बात कि नहीं? तो दोनों दिखा दिए कि नहीं, ये प्लस का है माइनस का है ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो प्लस का कर दो, तो इतना हो गया कि नहीं क्वांटाइजेशन आपका। चौथी चीज याद रखना, मतलब माइनस 1.6 ये याद ही है जो 9th पढ़ के आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन का है, ये प्रोटॉन का है, नहीं भी रखोगे चले जाओगे। सबको याद है, इनके मैसेज याद है, इनके चार्जेस याद है, उतना नहीं याद रखे कितना लेके चलोगे।
अब देखो खुदा को सौंप दो ये बोझ पुश्तारा गुनाहों का और चलोगे सिर पे रख करके ये बारे दर्रा कब तक। तुम अपना ही बोझ उठाते फिरोगे, इसको खुदा को सौंप दो, इसको सर पे उठा लेना, चलो फ्रीली घूम। अब आगे देखिए जो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल ईच अदर, है मतलब एक कोई भी सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज। जैसे मान लो प्लस प्लस हैं तो क्या करेंगे ये, रिपेल रिपेल कर देंगे। और बोलो अगर प्लस माइनस माइनस है तब क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सही कह रहे हैं, अच्छा सॉरी सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है, एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ये तो बारे में बात हो गई चार्जेस के बारे में, आगे की बात करें। क्लास में नहीं थे आप टैलेंटेड स्टूडेंट, आप बहुत तेजी से आगे बढ़े हो, आप क्लास में जिस स्पीड से बढ़ रहे हो, मैं शुरू में कुछ अच्छा नहीं मानता था, लेकिन आपने ये जो गिफ्ट वाला हमारा मेथड ही आपके कमाल का काम है। गिफ्ट के चक्कर में आपके परफॉर्मेंस में जादू जैसा परिवर्तन हुआ। तो कई बार आप क्लास में टॉपर भी रहे हो, एक बार ना, हाँ कई बार। अब आगे देखें, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, 6 × 10⁻¹⁸। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी, क्वेश्चन पढ़ने एक बार लिखे, how what does an electric current mean say to sir number of electrons, how many electrons sir ye kaun sa question hai, one coulomb of charge 2200 nahi usme bhi nahi, bolo kyun kya hota hai total charge any ये पूरी की पूरी चीज नीचे चली जाएगी क्या, 1 कूलम अपॉन -1.6 × 10⁻¹⁹ और क्या वहाँ n बचा है, सी से सी कटा और ये ऊपर चला आएगा, आएगा कि नहीं। तो अब जरा देखो कि मैं यहाँ 10/16 लिख दूँ क्या, -16 माइनस लगा दिया और × 10⁻¹⁹ -19 ये सही है, +19 बोलो अरे नीचे किसी का कार्ड हो, ये देखो बोलो सी बाई मतलब इतने कूलम पर इलेक्ट्रॉन चार्ज, CE-1 कूलम पर इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी तो ठीक नहीं, इतना कूलम चार्ज प्रति इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन पे माइनस लग रहा है, अब सही है लग रहा है। बोलो 16 से किस में डिवाइड करें, 10 में डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 6 4 बचा, तो 16 2 जाए 32 8 बचा, पॉइंट लगा इसमें, जीरो सर समझ में नहीं आया सर, ये आपने 1 कूलम वो चार्ज करता है
सर सी से सी कटा रहा है, नीचे वाला समझ में नहीं आया। ये ना सर, उसके नीचे वाला नहीं आया। ये ना सी से सी कटा सर, इसके नीचे वाला आगे तो समझ। डेसिमल हमने हटाया तो ऊपर 10 लिखा। हां 10 बाय 16। हां और ये -19 ऊपर से लगे तो बस। हां ऊपर लेंगे, नीचे क्यों रखेंगे? एक्सपोनेंट नीचे रखोगे क्या? सुपर है। अब ये कितना आया बताओ? 0.625 और इनटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन एक बताओ, इसमें से 10 इसको दे दें क्या? दे दो। 18 कर दो सर। अगर सर 3 दे तो 3। 6.25 तो हमें एक डिजिट दिया जाता है बस। क्यों? एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। सर 18, 10 टू द पावर 18। अब देखो 6 लिख दो सर। 6 मैंने क्या किया? इससे ये लिखा। हाँ सर। और फिर एक 10 इसमें से निकाल के इसको डाल दिया क्या? हाँ, ये साइंटिफिक नोटेशन है। एक डिजिट बाद डेसिमल और फिर ऐसा कभी एक ही डिजिट बाद डेसिमल लगा। अगर 16.2 है तो आपको लास्ट में आंसर 1.62 इनटू समथिंग लिखना, बाकी एक्सपोनेंट पे जाए। चलो ये समझ आ गया। तो अब आप मुझे बताइए कि वन कूलम की डेफिनेशन क्या है? सर व्हेन वन ऐसा यूनिट, वहां देखो ना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक 10 था तो डेसिमल लगा के एक जीरो बढ़ाया। 16.96 तो रुक ही नहीं सकते थे बिना पॉइंट लगाए। सर मैं बताऊं, सर ऐसा यूनिट तो इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच इज कंटेन 10 था, इज द अमाउंट ऑफ डेसिमल लगाया 10 बढ़ाया 18 इलेक्ट्रॉन। सही है। चलो Now one coulomb charge क्या होगा? Sir जो 6 × 10⁻¹⁸ electron। Sir इसको 6 में लिख देते हैं। 0.25 round up करके 6 ही लिख देते। देखो ये तो book की बात है, वरना one coulomb minus है, यानी जो number है तो अब ये देखो यहाँ भी minus लिखो, क्योंकि number minus में नहीं हो सकता ना, plus से कट ही कर दो। सुनो, जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो प्लस वन कूलम चार्ज रख सकेंगे कभी? नहीं रख सकेंगे। इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव ही चार्ज रखेंगे, नहीं? इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज रख सकते हैं बताओ? नमक की बोरी में चीनी होगी क्या? तो बोलो, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव चार्ज है तो इनका एग्रीगेट भी क्या होगा? निगेटिव ही होगा। तो ये कितना चार्ज रख सकते हैं? माइनस वन कूलम। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब होना क्या चाहिए? क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में होना चाहिए हाउ मेनी प्रोटॉन्स शुड कंस्टिट्यूट प्रोटॉन। उसने गलत बात लिखी है। इलेक्ट्रॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन क्या वन कूलम रख पाएंगे? नहीं, वो तो निगेटिव में रख पाएंगे ना। कैसे? फिर से सुनो कि एक इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है और निगेटिव निगेटिव को जोड़ोगे क्या कभी प्लस हो जाएगा? निगेटिव ही रहेगा, प्लस कभी नहीं होगा। माइनस टू माइनस थ्री को ऐड करो, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, तो इस तरीके प्लस कर रहे हैं तभी माइनस फाइव भी निकल जाता है। तो इसी तरीके से अगर वो सब ऊपर चला गया तो प्लस में हो गया, जब नीचे से कोई चीज ऊपर जाती। बात समझ आई? तो क्वेश्चन में ये अगर कह रहा है कि ठीक है, तो हमने उसकी इज्जत की, क्वेश्चन की, कह रहा है कूलम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो हमने ठीक है कहा चलो माइनस वन कूलम रख देते हैं। हम तो समझते ही हैं बात को कि इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव ही रहेगा, लेकिन जब वहाँ डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, सो द चार्ज बियर्ड बाई 6.25 × 10⁻¹⁸ प्रोटॉन। अब मैं प्रोटॉन लिखूंगा क्योंकि मैं वन कूलम को डिफाइन कर रहा हूँ, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन लिखूँ? नहीं, इस वन कूलम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है क्या वही प्रोटॉन का भी चार्ज है? प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन बैठ जाए, न्यूट्रॉन बन जाए। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन लिखा, बुक में इलेक्ट्रॉन लिखा तो हमने उसकी इज्जत की ना, तभी तो हमने माइनस वन कूलम लिख दिया, रिस्पेक्ट किया। क्या इलेक्ट्रॉन मिलके वन कूलम चार्ज रख सकेंगे? नहीं। 10 साल्ट की बोरी ले आओ तो शुगर बना देगी, जो उसका नेचर है वही तो कर पाएगा। तो इसलिए निगेटिव चार्जेस का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता ना, तो इसलिए मैंने माइनस वन कूलम पे कर दिया। और वैसे भी अगर माइनस लेके चलते तो क्या नंबर कभी निगेटिव आता? कहते हो माइनस इतने, माइनस 10 व्यक्ति, ऐसे हो सकता है क्या? वो अपने आप में ही सेंसलेस है, माइनस 10 व्यक्ति हो पाते हैं क्या कभी? तो इसलिए उसका कटना जरूरी था। नहीं, अब जरा देखो व्हाट डज इट मीन बाय वन कूलम ऑफ चार्ज, बोलिए।
वन कूलम चार्ज क्या है? 6.25 × 10⁻¹⁸ प्रोटॉन इस पार्ट वन कूलम ऑफ चार्ज वन कूलम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब इज कूलम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट बहुत लेमेंस अनाड़ी की डेफिनेशन है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट उससे क्या होता है कंस्टिट्यूट का मतलब वो बनाती है क्या बना देती है इलेक्ट्रिक से क्या लिखूं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सही जैसे पानी बहे नदियों में तो क्या वाटर करंट हो गई पानी बह रहा है ना नदी में कहते हैं वाटर करंट है पानी की धारा उसमें बह गया कोई कंटिन्यूअस और क्लोज है ना तो इसी तरीके से चार्जेस का फ्लो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट अब जरा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सुनो इलेक्ट्रिक करंट होती है कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक ये बिल्कुल ठीक है कि मान लीजिए एक कंडक्टर है कंडक्टर क्या होता है सर जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे जो चार्जेस को फ्लो करे अलाउ करे सो दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पास हुए जा रहे हैं और ये सब पास हो रहे हैं और मेरी आते यहीं पर है और मैं इसे देख रहा हूँ इसी क्रॉस सेक्शन को देख रहा हूँ और मैं गिनती कर रहा हूँ एक सेकंड में हाँ एक सेकंड में 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन गुजर गए तो अगर इतने गुजर गए तो मैं कहूंगा एक कूलम चार्ज गुजर गया कितने गुजरने चाहिए 6.25 × 10⁻¹⁸ इफ दिस मच चार्ज पासस पर सेकंड थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इस क्रॉस सेक्शन से तो मैं कहूंगा कि एक एम्पियर करंट पास हो गई यानी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड मान लो चार कूलम्ब चार्ज यहां से गुजरा और दो सेकंड में गुजरा तो बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो इस तरीके से जरा फिर से सुने वो मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट क्या है दैट इज रेट ऑफ फ्लो सुन लीजिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसे क्या कहेंगे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक रेट ऑफ फ्लो फिर से सुने कि इसको डिनोट किससे करते हैं आई से आई इलेक्ट्रिक करंट तो आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला की अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी मान लो क्यू चार्ज निकल गया टी टाइम पे निकला तो क्यू बाई टी हो गया कि नहीं अब जरा देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 4 कूलम्ब चार्ज है पास्ड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इन 2 सेकंड कितना चार्ज पास हुआ 2 सेकंड में तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट पास हुई 2 इलेक्ट्रिक करंट ना क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक करंट अभी इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना कि किसी से कितने कूलम्ब चार्ज पास हुआ मान लो जैसे इससे 4 कूलम्ब चार्ज पास हुआ और 2 सेकंड में पास हुआ तो ऊपर लिखोगे 4 कूलम और नीचे क्या लिखोगे कूलम तो सी होता है हां तो सी है 4 कूलम तो चार्ज तो क्यू है ना एक सिंबल होता है जैसे लेंथ का सिंबल एल है लेकिन यूनिट का सिंबल एम है मीटर
मास का सिंबल एम है और उसकी यूनिट का केजी, ऐसा भी नहीं टाइम टी है, ये तो सब अलग है। ये सिंबल चार्ज का है और ये उसकी यूनिट का सिंबल है। फोर्स का सिंबल एफ है और उसकी यूनिट का एन एम। बोलो बात सही है। अब जो वोल्टेज का डब्ल्यू है सही। तो इस तरीके से इफ थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया फोर कूलम चार्ज एस पास, देन अगर उतना पास हो गया इन टू सेकेंड, इन टू सेकेंड देन तो बोलिए आई क्या हुआ, तो दैट इज फोर कूलम्ब अपॉन टू सेकेंड, तो इससे क्या टू कूलम्ब पर सेकेंड आ गया, कूलम पर सेकंड, इसी को 2 एम्पियर कहेंगे और या इसे 2 एम्पियर भी कह सकते हैं। तो नहीं, कूलम पर सेकंड क्या कहते हैं, एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, सो कूलम पर सेकंड सी कैपिटल लिखना है छोटा, कूलम पर सेकंड और एम्पियर, और एम्पियर। नाउ देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर इज एम्पियर। वन एम्पियर को डिफाइन करो, अनुराग। यस, इफ वन कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन वन सेकेंड, ऊपर भी वन और नीचे भी वन, तो क्या ये वन हो जाएगा, वही पता, अगर वन कूलम चार्ज पास हो जाए, वन सेकेंड इन वन सेकेंड, इफ वन कूलम चार्ज पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सी थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन वन सेकेंड, देन करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन इज वन एम्पियर। एंड 10^-3 एम्पियर इज इक्वल टू 1 फ्लोइंग that cross section is 1 एम्पीयर की वैल्यू है। अभी वो बता रहे हैं, देखो आई क्या होता है, q by t है, हाँ, तो q by t में मैं क्या रखूं, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड, तो क्या ये 1 एम्पीयर नहीं हो गया, हो गया सर, ठीक है। अच्छा 1 मिली एम्पीयर में कितने एम्पीयर, 10^-3 ठीक है, ये वर्ड्स आगे इस्तेमाल होंगे। मिली एम्पियर, मिली का मतलब वो थाउजेंड पार्ट, तो उसे मिली एम्पियर कहते हैं। माइक्रो म्यू, म्यू सर लाइट में भी म्यू था ना। अब देखो म्यू है, इसको माइक्रो कहते हैं, माइक्रो जब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पद्धति लगाते हैं। अब जरा देखो कि सिंपल सर्किट क्या होता है,
सिंपल सर्किट। और उसके पहले रेजिस्टर क्या होता है? यानी विच कोई भी चीज है, एनी मटेरियल, एनी कंडक्टर विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज, कहता हम तुम्हें पास नहीं होने देंगे। तो मतलब ऐसा कुछ है जैसे टंगस्टन इसमें है, या किसी में फिलामेंट होते हैं तो टंगस्टन होता है फिलामेंट जिसमें, एल्युमिनियम नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा? रजिस्ट करेगा, और रजिस्ट करने में अलाउ नहीं करेगा, जाने तो देगा लेकिन लड़ के जाने देगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी सारी वहीं उससे दे देनी पड़ेगी और वो रेड हॉट हो जाएगा, और रेड हॉट हो जाने की वजह से वो ग्लो करेगा। जाने दे रहा है लेकिन उससे लड़ेगा, कहेगा ऐसे नहीं जाने पाओगे, वो फिर कोलिजन होगा, उनमें लड़ाई होगी। तो एनी कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टर। रेजिस्टर का मतलब एक ऐसा मटेरियल जो क्या करे, रेजिस्ट करे, जैसे टंगस्टन है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ लगाऊं तो रेड हॉट टाइप हो जाए, रेजिस्टर टर्न ऑन का रेजिस्टर। तो ये क्या कर रहा है बताइए, इसके बीच में जो तार है ये रजिस्टर कर रहा है, समझ आई बात? सो जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, 1 मिलीमीटर में 10^-3 मीटर होते हैं, जब मिली लगाओ तो 1000th पार्ट, मिली का मतलब क्या है, और सेंटी लगा दो 100th पार्ट, और डेसी लगा दो तो 10वां हिस्सा, तो 1 डेसीमीटर, तो 10^-2 मीटर, और 1 डेसीमीटर क्या होता है, 10^-1, ये 10th पार्ट है, ये 100th पार्ट है, सेंटी, सेंट्स पढ़े हैं, जैसे होता है कि शर्लिन, वो स्टर्लिन कहाँ की करेंसी थी, इंग्लैंड की, और सेंट भी होते थे, तो उसका 1/7 हिस्सा सेंट का है ना, हाँ, तो इस तरीके से आप ये समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर 1000वां हिस्सा 1/1000 होता है कि नहीं है, तो 1/1000, और 1 माइक्रोमीटर का मतलब 1/10,000,000 हिस्सा, सही है? 1 मिलीमीटर जैसे होता है वैसे मिली एम्पियर, कोई फर्क तो नहीं है ना, 1 मिली एम्पियर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1000 मिली एम्पियर में 1 एम्पियर, 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 1000 मिलीमीटर में कितने मीटर, और फिर बोलो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। मिली किसी में भी लगा सकते हो, मिली के लिए कोई ये नहीं है, मिली ग्राम भी हो सकता है, मिली सेकंड भी हो सकते हैं, मिली एम्पियर भी हो सकते हैं, ठीक। अब जरा देखो रजिस्टर क्या होता है, द कंडक्टर रजिस्ट इंसुलेटर नहीं हो सकता, लकड़ी रखोगे तो रजिस्टर नहीं, फिर वो काम नहीं करेगा, है कंडक्टर लेकिन मुश्किल से जाने देगा, जाने देगा सब तुम्हारी एनर्जी ले लेगा, तुम उस सड़क से गुजर जाओगे। सो विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ, तो यही है, इन्हीं की वजह से ये बार बार का हमको क्या है, जैसा कहे वैसा हम कर देंगे, उसी में देख लो फिफ्थ वाला, ठीक है ना? अब वो जो दिया है कोड टंगस्टन ही है, क्या दिया? अच्छा ये, अब देखो सर एल्युमिनियम कॉपर नहीं हो सकते, एल्युमिनियम कॉपर तो कंडक्टर है, वो तो खूब आराम से जाने दे रहे हैं, रेजिस्टर नहीं वो लोग, अच्छा वो तो जाने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, हां रेजिस्टर बल्ब के अंदर होगा, या जो हीटिंग डिवाइस है इस एंड्स पे क्या लगाएंगे तो ये रेड होगा, या दोनों तरफ एक तार लगा दो, एक तार उसमें, सर एक बार लगाओगे हम क्यों लगाओ, 20 रुपए की चीज है, कुछ हो जाए उसका बाटा, 20 रुपए की फायर एक्सटिंग्विशर,
अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन देखो, जब कोई भी किसी चीज पे करंट अगर फ्लो कर रही है तो आपको उसे मेजर करना पड़ेगा कि नहीं। सो द डिवाइस व्हिच इज एमीटर, मेजर द करंट इज कॉल्ड एमीटर। ये एमीटर इसमें लिखा है, तो ये आप टीचर भी पास कर लीजिए, ये एमीटर है। और सर वो दोनों जो रखे हैं वो क्या है, तो क्या कर रहे हैं ऐसे बना, ठीक है, दैट इज एमीटर। हाँ ये करेंगे ही, लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम लोग क्या है ना फिर पिछड़ जाएंगे। तो ये देखो सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास करते हैं, ये इसमें एक तार इधर लगा दो और एक तार इधर लगा दो और फिर यहाँ एक रजिस्टर लगा दो और एक सेल और एक की। ये देखो ये एमीटर है, तो एमीटर क्या करेगा बताओ, फ्लक्चुएट कर जाएगा। ये इसका जीरो है, बड़ी कार में इतना छोटा कार, ये कार है और बाकी ये रजिस्टर है। ये क्या है, यहाँ कहाँ कार दिख रही है, वो प्लग की ऑन अब तो ठीक लग रहा, अब तो ट्रक लग रहा है, तो पहले कार ही थी रहने दो ना, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो कार से, बस लग रही है अभी भी, बस लग एयरपोर्ट को आते नहीं है, हां वो वाली अच्छा सर ठीक है, कोई बात दिल्ली से बनाया हुआ है ना, अब समझ में आ रहा है सर, बस हां ऑन ऑन सर ऑन होगा ना सर, ये कैसे है दिल्ली से, तो ये 150 रुपए का, ये जर्मनी से नहीं, ये हर जगह मिलता है, ये लामबाग दुकान में भी है और 70 रुपए से शुरू हो जाता है कहीं दिल्ली वाली तो नहीं, ठीक है, दिल्ली में भी ये तो एमीटर के बिना काम चल ही नहीं सकता किसी का, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एयर से ही शुरू हो जाता है एमीटर का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट सुनो, अ क्लोज्ड पार्ट किसका किसका, क्लोज्ड पाथ ऑफ सेल रजिस्टर सम स्विच एंड एमीटर, ठीक है, थ्रू विच करंट कैन पास इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सर समझ में, कोई भी पाथ हो उसमें सेल भी लगाना पड़ेगा ना, और एक बल्ब नहीं लगाना पड़ेगा, तो कोई रजिस्टर होगा कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, एक बल्ब, एक स्विच भी नहीं लगाओगे कि बल्ब को ऑन कर ही के छोड़ दोगे, पूरी जान निकाल दोगे सेल की, तो एक स्विच भी तो लगाओगे, तो कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल बल्ब स्विच, और अगर मीटर भी करना चाहते हो तो मीटर भी लगा, देखो बुक में बना हुआ है, अगले पेज पे देखो मीटर क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, कंसिस्टिंग ऑफ सेल हो सकता है, रजिस्टर एंड की, कंडक्टर एक क्लोज पाथ ऑफ कंडक्टर यानी तार वायर, और वो वायर किसका होगा, कॉपर का, कॉपर से कॉपर का ज्यादा बोलते नहीं लगाना चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा, ठीक है, सब कॉपर ही अच्छा, सबसे अच्छा सेकंड बेस्ट तो कॉपर ही है, एल्युमिनियम फर्स्ट बेस्ट, एल्युमिनियम कहीं नहीं लगता अभी, वो लगा के देख नहीं रहे, अच्छा हां सॉरी कॉपर लगा, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, रजिस्टर एंड की इन सबसे हो थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, जिससे क्या हो, सर रजिस्टर की जगह पे क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, सर एग्जांपल अभी बता, कैन पास इस कॉल्ड, इसको हम बना के दिखाएंगे कल, कैन पास इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी ये देखो ये बल्ब है, बल्ब का साइन
फिर ये एमीटर बना दिया, एमीटर का साइन, यानी इन सब से क्या होगा, करंट पास होगी, और फिर यहाँ करंट है, और यहाँ सेल लगा दिए, एक सेल लगा सकते हो, दो सेल भी लगा सकते हो। और की का मतलब स्विच ऑन एंड ऑफ, की कुछ नहीं होता, यानी जैसे ये है और यहाँ पर एक ये है और दूसरा ये है, अब एक तार इसमें से ले लो, एक तार इसमें से ले लो, ये प्लास्टिक है, और फिर ये क्या बनाया, यानी अगर मैं इस प्लंजर को इस पे दबा दूं तो क्या ये कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, लाइट ऑन होगी ना, यही की है, तो ये प्लंजर की है, और कुछ और भी की हो सकता है, तो इस ये की है, यही दिखा है, इसका सिंबल है ऑन, तो फिर ये कनेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा कि नहीं, समझ आई बात की नहीं, अभी ऑफ है, ये कैसा है, क्लोज्ड, क्लोज्ड की है, की इज ऑन या क्लोज्ड, और ये मीटर है, बोलो ये प्लस है, और ये माइनस, तो करंट हमेशा प्लस से किधर चलती है, माइनस की ओर, माइनस की ओर, ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आई दिखाओ, और ये प्लस है तो इधर एमीटर में इधर प्लस दिखाओगे, ये माइनस, जरा ध्यान दो, ऑन ऑफ ही होगा ना, हम से माइनस की तरफ से जीरो आता है, क्लोज है यानी ऑन है, लिखा है सही है। अच्छा ये देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे चलती है, इलेक्ट्रिक करंट is the flow of positive charges, negative को नहीं माना जाता है, लेकिन बोलो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलेंगे, negative to positive, वास्तव में और कुछ तो चलता ही नहीं है, चलता तो क्या है, लेकिन शुरू में लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन भी चल सकता है, ऐसा कुछ होता है, किसी को मालूम था ये डाल्टन के नियम के अनुसार सेकंड चैप्टर 9 का, कि एटम को वो मानता था कि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं, डाल्टन का नियम ये था कि नहीं, इट कैन बी अनकट, तो पहले लोगों को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने कहा कि कोई पॉजिटिव फ्लूइड है जो बहता होगा, तो उन्होंने सोचा इलेक्ट्रिक करंट ऐसी बहती, बाद में देखा गया इसमें तो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो कि चलता है, लेकिन फिर भी तब भी यही माना गया कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की उल्टी है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन माइनस से चल के प्लस नहीं जाएंगे, करंट करके कुछ नहीं बहती, कुछ ऐसा कोई चीज होता ही नहीं जो करंट करके बहे, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये माना जाएगा इसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करें, क्योंकि हमने हमेशा से करंट को क्या माना है, इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ क्या कॉपर मेटल बहने लगेगा, अगर बहने लग गया तो इसके अंदर तो नदी बह जाए, क्योंकि कॉपर ही कॉपर से तो बना है, इलेक्ट्रॉन बह जाए तो कुछ नहीं होगा, लैटिस पॉइंट पे तो कॉपर है, वो तो नहीं बहने चाहिए, और कहे तो कॉपर ही बह जाए प्लस चार्ज बह जाए, तो बोलो मेटल का फिर स्ट्रक्चर साबित रह पाएगा, तो इस तरीके से इट इज नॉट द पॉजिटिव चार्ज विच फ्लो, क्या फ्लो करते हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव करते हैं, तो इस तरीके से ये करंट हो गया और ये बल्ब हो गया और ये क्या हो गया, इट इज इलेक्ट्रिक फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख लो द बल्ब, लिखो द डायरेक्शन, सर क्या बोला, अभी देखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या माना गया है, इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव, इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो तुम्हारे इसमें बह जाएगा, सर फ्लो ऑफ पॉजिटिव, सुन लो जब तुम क्या करते हो बताओ, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बनाते हो तो क्या वहां पे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन के अंदर अंदर होता है, हाँ होता है, बहुत सारा प्लस और माइनस चलता है, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं प्लस को क्यों हम हटाएं, और वहां से ऊपर से भी बादलों से भी तो चार्ज आता है, जब बिजली चमकती है तो भी प्लस आता है, हम यही नियम मानेंगे, इंडिया वाले यही कहते हैं, अमेरिका वाले को क्या, वो कहती हैं हम तो इलेक्ट्रॉनों को मानेंगे, वो बदल ली उसने कहा हम तो इसी को मानेंगे, उनका अपना हिसाब है, लेकिन हम तो इंडिया में है ना, इंडिया में माना गया प्लस चार्ज के चलने को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा कहते हैं, तो प्लस चार्ज करके तो कुछ चलता है नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में चलेगा जहाँ पानी भरा है, बादलों में चलेगा, तो सर हम पॉजिटिव, लेकिन
जो ठोस पदार्थ है सॉलिड है उनमें तो नहीं चलेगा, उसमें क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो उसमें हम अपोजिट मांगेंगे बाकी में सही से। देखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये लिखो, बहुत जगह चल जाएगा क्योंकि यहाँ फोर्स फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक सर्किट में तो दूसरी चीज है ना, कोई वो इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं या बादल तो है नहीं कि वहां से गिरे। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ये कैसा माना जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव सर्किट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव ही है नहीं यार, बट इट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से प्लस जा रहे हैं और हमारी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, उल्टी नहीं है? मतलब करंट फ्लो पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ जाएंगे? प्लस पे। और करंट कैसी जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव जीरो कुछ नहीं होता, वही चार्ज उनकी एनर्जी खत्म हो गई फिर अपने आप चुपचाप वहां पहुंच जाए। जैसे वेन्स में ब्लड धीरे धीरे जाता है और शुरू में आर्टरी में प्रेशर से वही काम यहाँ है। तो इस तरीके से इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू, इलेक्ट्रिक करंट किसके अपोजिट है? इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना ही रहती है। गूगल पे भी इलेक्ट्रिक करंट ये दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज।